मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं तो वो अपने नेताओं का बयान नहीं सुन रहे हैं, कह रहे हैं जो लोग कि 400 पार हमको चाहिए क्योंकि हम संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। आखिर 400 पार क्यों चाहिए? वो संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी को अपने नेताओं का बयान नहीं दिख रहा है। और जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने देश के गरीबों का पैसा, देश का पैसा पूंजीपतियों को दे दिया जो विदेश भाग गए, और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जवाब दे रहे हैं? आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी? 10 साल तो बीत गए, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी? किसानों की आय कब दुगनी करेंगे? MSP कब लागू करेंगे? महंगाई कब कम करेंगे? बेरोजगारों को रोजगार कब देंगे? बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी? चीनी मिलों से कब धुआं उठेगा? उसकी चाय प्रधानमंत्री जी कब पियेंगे? किस वर्ष में पियेंगे वो डेट बताएंगे? सिर्फ आते हैं चुनाव में और इधर उधर की बात करके निकल जाते हैं। इस बार देश की जनता ने इनकी विदाई तय कर रखी है। पुरानी बात क्यों कर रहे हैं आप? 14 से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? 14 और 19 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 10 वर्ष बीत गए, आप अपनी बात क्यों नहीं जनता के बीच में रख रहे हैं? और गरीबों का जब राज होता है तो उसको जंगल राज कहा जाता है। आज जो घटनाएं घट रही है तो क्या मंगल राज है?